हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने YouTube चैनल को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों पूरा और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मेरा YouTube चैनल हैक हुआ था, जिसका कि स्लिप प्ले बटन आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, तब मुझे रियलाइज हुआ दोस्तों कि एक यूट्यूबर के लिए उसका यूट्यूब चैनल कितना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों एक यूट्यूबर सालों की मेहनत के बाद अपने चैनल को मोनेटाइज करता है, उसके बाद दोस्तों उससे अर्निंग स्टार्ट करता है और अपने फैमिली को उससे मैनेज करता है। लेकिन दोस्तों एक पल में कोई हैकर अगर आपके चैनल को हैक कर ले और आपकी सालों की मेहनत को एक चुटकी में बर्बाद कर दे, उस समय आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। ऐसा ही दोस्तों मेरे साथ भी हुआ था और तब से लेकर मैं अब तक एक ही प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश कर रहा था जो कि आज मेरे हाथों में है। दोस्तों ये प्रोडक्ट है यूबी की 5 NFC, आप देख सकते हैं, और इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग भी मैंने किया है और इसको ऑनलाइन अमेजोन से मैंने बाय किया है। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिक्योर करता है, उसके 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप YouTube चैनल चलाते हैं तो आपको वहाँ पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना जरूरी होता है, तभी आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। और 2-स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने के बाद भी लोगों का चैनल हैक हो जा रहा है, लोग परेशान हो जा रहे हैं, उसके बाद सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो जा रही है। दोस्तों YouTube के 2-स्टेप वेरिफिकेशन में जो ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको वहाँ पर ऑथेंटिकेटर ऐप या आपको वहाँ पर कोड वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप अपने फ़ोन नंबर पर कोड मंगाकर लॉगिन करते हैं 2-स्टेप वेरिफिकेशन को, या आपको दोस्तों वहाँ पर बैकअप कोड का ऑप्शन मिलता है, आप 10 बैकअप कोड बना लेते हैं और तब जाकर आप वहाँ पर इन सभी चीज़ों से अपने चैनल को लॉगिन करते हैं। और एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों वहाँ पर सिक्योरिटी की का, जो कि बहुत लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी की फिजिकल माध्यम में आपको बाय करना होता है और ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने YouTube चैनल या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं तो आपको इसको ज़रूर बाय करना चाहिए, और ये आपके चैनल की सेफ्टी की एक ऐसी चाबी है जिसके बिना आपके चैनल को कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अगर ये की कभी बाई चांस खो जाती है तो भी आपको अपने चैनल को ओपन करने के लिए गूगल 3 दिन का समय लेगा, वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा करेगा, उसके बाद ही आप अपने चैनल को अगेन लॉगिन कर पाएंगे। तो ये दोस्तों यूबी की सिक्योरिटी की NFC सपोर्टेड है, अमेजोन से मैंने बाय किया है और इसकी प्राइस जब मैंने बाय किया था लगभग 7000 थी, क्योंकि ये यूबी की Y मॉडल है इसका। इसमें 2 और मॉडल आते हैं जो कि 5000 के लगभग आते हैं, तो दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इसको इसलिए मैंने बाय किया क्योंकि इसमें आप मल्टीपल कई सारे जो है अकाउंट को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों YouTube चैनल पर सिक्योरिटी की 2-स्टेप वेरिफिकेशन में इस सिक्योरिटी की का कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको अपने लैपटॉप पर ले चलकर दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जो है आप इस की का यूज कर पाएंगे, और इस की को अगर आपके पास बजट है तो ज़रूर बाय करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों YouTube चैनल पर यूबीको सिक्योरिटी की लिंक करने के लिए आपको अपने चैनल के लोगो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके YouTube चैनल का गूगल अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही जरूरी बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका YouTube चैनल जो है ब्रांड अकाउंट है, मतलब कि आपके जीमेल से जो मेन चैनल है वो नहीं है, ब्रांड चैनल आपने बना रखा है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी में 2-स्टेप वेरिफिकेशन तो दिखाई देगा, लेकिन आप यहाँ पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन में आप ये फिजिकल सिक्योरिटी की ऐड नहीं कर पाएंगे। आपको अपना फिजिकल सिक्योरिटी की दोस्तों ऐड करने के लिए आपको अपने गूगल अकाउंट के मेन अकाउंट पर जाना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर लोगों के ऊपर जब क्लिक करेंगे गूगल अकाउंट पेज पर, तो आपको यहाँ पर दिखेगा दिस इज अ ब्रांड अकाउंट, तो ब्रांड अकाउंट में आप सिक्योरिटी की ऐड नहीं कर पाएंगे, आपको वहाँ पर एरर शो करेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर आपके जीमेल को सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका जीमेल है। जैसे दोस्तों आप जीमेल के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपके जो भी जीमेल अकाउंट होगा उसका गूगल अकाउंट पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर दोस्तों 2-स्टेप वेरिफिकेशन में सिक्योरिटी की यूबीको का लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा लोगो चेंज हो चुका है, और अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चैनल जीमेल का जो हमारे जो गूगल अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, और ये हमारे चैनल जो है ये ब्रांड अकाउंट है, तो यहाँ पर हमको सिक्योरिटी की ऐड करने का ऑप्शन मिलता है लेकिन वहाँ पर ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऐड करना है तो सिक्योरिटी में आपको आ जाना है, सिक्योरिटी के ऑप्शन में
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है जहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन मिलेगा। बहुत सारे लोग दोस्तों इसको डिटेल्स में नहीं बताते हैं, इसलिए जो भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं वो जो है ऐड नहीं कर पाते हैं यहाँ पर अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन में यूबीको सिक्योरिटी की, जिससे वो काम नहीं करता अच्छे से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन में यहाँ पर ऑन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही दोस्तों आपसे ये जो है पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए जो है पासवर्ड पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालकर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो है आपके गूगल अकाउंट का टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन, जब का आप ऑन किए रहेंगे वो समय दिखाई देगा। और यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल सेकंड स्टेप, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीजें मैंने सेट कर रखा है। तो यहाँ पर हमने जो है सिक्योरिटी की में ऐड कर रखा है वो है हमारा जो है ब्लूटूथ, जो कि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन होगा तभी जो है आप अपने उसको लॉगिन कर पाएंगे, तो वो मैंने सेट कर रखा है, जो कि फिजिकल सिक्योरिटी की नहीं है, वो भी बाईपास हो जाता है, ठीक है, ब्लूटूथ अगर आप ऐड करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों नीचे जो है गूगल प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है, जहाँ पर हमने दो फोन यहाँ पर लॉगिन कर रखा है गूगल प्रॉम्प्ट के लिए, तो किसी एक पर भी हम जो है यहाँ पर गूगल प्रॉम्प्ट मंगा कर उसको ऐड करके अपने फोन को अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑथेंटिकेटर ऐप को भी हमने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वॉइस और टेक्स्ट मैसेज को हमने जो है मोबाइल नंबर दे रखा है, वहाँ पर वॉइस और टेक्स्ट मैसेज आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैकअप कोड, हमने बैकअप कोड भी यहाँ पर बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों सही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं फिशिंग के माध्यम से हैकर इसको क्रैक कर देते हैं। तो सिक्योरिटी की में दोस्तों जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है वहाँ पर हम जो है क्लिक करेंगे और वहाँ पर हम यूबीको का ये फिजिकल सिक्योरिटी की लिंक करेंगे, ठीक है, ये जो फिजिकल सिक्योरिटी की है इसको हम लिंक करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऐड सिक्योरिटी की का जो हमारे पास ऑप्शन आया है, यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि इस सिक्योरिटी को आपको अपने पीसी में इंसर्ट करना है, जो भी आपका लैपटॉप कंप्यूटर पीसी है उसमें इंसर्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो आपको अपने फ़ोन में इस यूएसबी की को, जो भी सिक्योरिटी की है उसको जो है यूएसबी टाइप सी में लगाकर आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं, अडाप्टर में लगाकर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऐड सिक्योरिटी की के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जो बटन है वहाँ पर जिसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चूज द टाइप ऑफ की, तो आप कौन से की को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ के लिए मैंने जो यहाँ पर इसको यूज कर रखा है, तो हम यहाँ पर फिजिकल यूएसबी और एनएफसी की को हम सिलेक्ट करते हैं, जो कि सबसे लास्ट में दिख रहा है। और यहाँ पर दोस्तों दो तीन फ़ोन जो है दिख रहा है वो हमारे फिजिकल जो ब्लूटूथ होता है उसको ऑन कर कर हम यहाँ पर लगाते हैं, तो हम ब्लूटूथ को अब हटा देंगे, अब हमारा जो है फिजिकल यूएसबी और एनएफसी की यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा की है इसको हमको जो है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टैप करना होगा, ठीक है, यहाँ पर ओके करना होगा हमको पहले, और टच द सिक्योरिटी की, आप यहां पर देख सकते हैं ये लिख रहा है टच द सिक्योरिटी की, तो हम यहां पर टच करेंगे, ठीक है। तो टच करने के लिए दोस्तों ये सिंपली यहां पर लाइट ब्लिंक कर रही है वहां पर टच कर देना है और यहां पर ये रजिस्टर हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं सिक्योरिटी की नेम डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों केवल आपको टच करना है और ये सिक्योरिटी की आपके चैनल जो भी गूगल अकाउंट होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों हम यहां पर की वन नेम डाल देते हैं या देव की वन नेम डाल देते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी की इज एडेड। आपको इस सिक्योरिटी को सेफ्टी से रख लेना है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना अब आपका चैनल लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कर देना है आपको उसके बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप की का नेम दिए रहेंगे वो की आपको यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको कम से कम दो सिक्योरिटी की ऐड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक सिक्योरिटी की अगर आपकी बाई चांस टूट जाती है, खो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा, तभी आप अपने चैनल खुद जल्दी से लॉगिन कर पाएंगे, अन्यथा जो है आपको बड़ा मशक्कत करनी पड़ जाएगी, उसके बाद ही आप अपने चैनल को लॉगिन कर पाएंगे। तो ये हमारा लिंक हो चुका है, तो अब हम यहाँ से बाहर आते हैं। इंपॉर्टेंट काम अब आपको क्या करना है वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर आप फिजिकल ऐड करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो बाकी के अदर आपके यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन के, उनको आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। अगर आप अपने गूगल अकाउंट को हाई लेवल तक सिक्योर रखना चाहते हैं, केवल आप चाहते हैं कि आपके ये जो फिजिकल सिक्योरिटी की है केवल उसी से जो है आपका चैनल लॉगिन हो सके, तो आपको यहाँ पर ये ऑथेंटिकेटर ऐप को जो है यहाँ से रिमूव कर देना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे रिमूव करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको अदर जो ऑथेंटिकेटर ऐप आपने ऐड कर रखा है उसको हटा देना है। और यहाँ पर दोस्तों सेकंड में आपको मैं बता देता हूँ क्या है, वो है दोस्तों आपका वॉइस और टेक्स्ट मैसेज। तो वॉइस और टेक्स्ट मैसेज को भी आपको हटा देना, क्योंकि इन सब चीज़ों को फिशिंग के माध्यम से जो है
हैक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से रिमूव कर देना है इस नंबर को, तो इसको भी आप रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों फिर से बाहर आना है आपको, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो है बैकअप कोड, इसको भी जो है आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको हटा देना है। तो ये हटा देने के बाद दोस्तों अब केवल आपके पास एक ही टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन बचता है, जो कि है आपका सिक्योरिटी की बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर दोस्तों गूगल प्रॉम्प्ट में आप यहाँ पर जो भी फ़ोन में आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा वो ऑलरेडी यहाँ पर शो करेगा, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको लॉगिन करके रखा है। ठीक है, और बाकी आपका एक ही सिक्योरिटी का ऑप्शन बचता है यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का। अगर आप अपने सिक्योरिटी की को यहाँ पर अटैच नहीं करेंगे तब तक आपका जीमेल अकाउंट आप ओपन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो भी गूगल अकाउंट है यूट्यूब चैनल का वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सिक्योरिटी की काम कैसे करती है। तो यहाँ पर हम यूट्यूब में साइन इन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल को, हम यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों जैसे हम नेक्स्ट करेंगे आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई इट्स यू का पेज आएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं मेकिंग श्योर इट्स यू और इंसर्ट योर सिक्योरिटी की इनटू द यूएसबी पोर्ट। तो ये जो सिक्योरिटी की है दोस्तों ये आपको इंसर्ट करना होगा, तभी जो है आपका यहाँ पर चैनल लॉगिन हो पाएगा। अगर हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्राई अनदर ऑप्शन का हमको ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज योर सिक्योरिटी की पहला ऑप्शन है कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज योर सिक्योरिटी की के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी को इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं नज़दीक से, तो हम यहाँ पर इस सिक्योरिटी की को इंसर्ट कर रहे हैं, और इंसर्ट करते ही यहाँ पर दोस्तों ब्लिंक कर रही है लाइट और हम यहाँ पर इसको टच करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन जो है वेरीफाई हो चुका है और हमारा जो है यहाँ पर चैनल ओपन हो जाएगा अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर देते हैं, और इस तरह से हमारा YouTube चैनल लॉगिन हो जाएगा इस USB की मदद से, जो सिक्योरिटी की यहाँ पर हमने इंसर्ट किया है इसकी मदद से। अब अगर हम इसको निकाल लेते हैं बाहर तो भी ये जो है अच्छे से काम करेगा जब तक हम यहाँ पर लॉगिन रहेंगे। लॉग आउट करने के बाद जो है फिर से जो है हमको इस की को जो है इंसर्ट करना ही होगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मैंने इस छोटी सी सिक्योरिटी की का यूज करके अपने YouTube के Gmail अकाउंट के टू स्टेप वेरिफिकेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। दोस्तों ये देखने में भले ही छोटी सी है लेकिन आप इसका यूज करके जो है अपने जो भी YouTube चैनल पर मेहनत कर रहे हैं उसको सिक्योर कर सकते हैं, या आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं उसको आप इस की मदद से टू स्टेप वेरिफिकेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इससे दोस्तों जो भी हैकर हैं वो फिशिंग के भी माध्यम से आपके चैनल को हैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो हमारा ऑथेंटिकेटर ऐप होता है, जो बैकअप कोड का ऑप्शन होता है, या जो हमारा वेरिफिकेशन कोड हमारे फ़ोन पर भेजा जाता है, इन सभी को दोस्तों हैक किया जा सकता है फिशिंग के माध्यम से, इन सभी को क्रैक किया जा सकता है। लेकिन ये जब तक किसी के हाथ में नहीं लगेगा वो आपके चैनल को नहीं ओपन कर पाएगा। अगर ये आपके पास से खो भी जाती है तो भी आप अपने चैनल को नहीं लॉगिन कर पाएंगे। तो इसको काफ़ी सेफ्टी से लॉक करके अपने घर में कहीं पर भी तिजोरी में रख दीजिएगा, और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप निकाल कर अपने चैनल को लॉगिन कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऑनलाइन बाय करने की लिंक वीडियो के नीचे है, जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Take care and goodbye.